मोबाइल हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत इसकी जो रेडिएशन है हमारे शरीर पे, दिमाग पे, आंखों पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है, लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बिना स्मार्टफोन के हमारी लाइफ का बड़ा चलना बड़ा एक मुश्किल सा हो गया है। इसलिए क्या करें कि कुछ टिप्स हम बताएंगे इस वीडियो के थ्रू, जिससे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आइए, हम तो रेडिएशंस हैं जो फ़ोन की हैं उनसे परेशान होते हैं, नहीं के उनकी परेशानियों से हम बच कैसे सकते हैं, तो कुछ सेलफोन की टिप्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए। तो नंबर वन टिप्स क्या है कि सबसे पहले कभी भी मोबाइल को अपनी आंखों के बिल्कुल पास से ना देखें। इससे क्या होता है कि आंखों के पास फ़ोन रखने से क्या, रेटिना का जो फोकस होता है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और उससे हमारी नज़र कमज़ोर होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। नंबर दो, कभी भी मोबाइल को एक साथ लंबे समय के लिए ना देखें। लंबे समय के लिए जब हम देखते हैं तो आंखों का एक जो फोकस होता है उसको पे इफेक्ट पड़ता है, और आंखें कखते बिल्कुल धुंधली सी पड़ जाती हैं। जैसे हम फ़ोन से नज़र हटाते हैं तो कुछ और चीज़ देखते हैं तो हल्की धुंधली सी पड़ जाती हैं। तो नज़रों का जो आंखों का होता है, जिसकी रेडिएशंस होती हैं, बहुत उसे नुकसान करती हैं। इसलिए फ़ोन को कभी भी एक साथ लंबे समय के लिए ना देखें। नंबर तीन क्या है कि फ़ोन को कभी भी पास में से रात में अंधेरे में, रात के अंधेरे में, क्योंकि स्टूडेंट्स को देखा जाता है कभी भी, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं जो गलती करते हैं इस तरह की, कि क्या फ़ोन को रात के अंधेरे कमरे में देखते हैं, तो उससे क्या कि आंखों पे डबल इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। कभी भी रात को अंधेरे में कभी भी फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, और ब्राइटनेस लेवल को उसको सही तरीके से रखना चाहिए, इसलिए हमारी आंखों पे थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़े। नंबर चार के लिए कि आंधी में, तूफान में, बारिश में कभी भी फ़ोन को यूज ना करें। उसकी जो बिजली है, ये बिजली कड़कना होता है, इससे फ़ोन के रेडिएशन से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, इसलिए कभी भी फ़ोन को यूज ना करें आंधी बरसात में। नंबर पाँच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रात को हमने देखा है कि रात को हम जब सोते हैं तो क्या है कि फ़ोन अपने अक्सर अपने पास में ही रख के सोते हैं, तकिए के नीचे रख के सोते हैं या साथ में रख के सोते हैं, तो ये क्या है कि या सो वीडियो देखते देखते ही हम सो जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। फ़ोन की जो रेडिएशन होती है, क्योंकि वो टावर पकड़ते हैं, तो फ़ोन की रेडिएशन हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे दिल के पास से के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। इसलिए फ़ोन को कभी भी पास ना रखें। कोशिश करें कि फ़ोन को अपने थोड़ा सा दूर रख के सोएं, या फिर अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है, तो उसका कोशिश करें कि फ़ोन को उसमें एरोप्लेन मोड पर लगा के रखें, और कोई तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं। देखिए, शरीर, आंखें हैं, आंखें बड़ी अनमोल हैं, बहुत कोमल हैं, भगवान ने हमें दिया है ये शरीर है, इसके लिए आप थोड़ी सी कोशिश करें कि इसको थोड़ा सही रखें, सेहत को संदुरुस्त बना के रखें, सेहत अच्छी बना के रखें, आँखों का थोड़ा ध्यान रखें, जिससे क्या है कि हमारे लिए, हमें जो जीवन मिला है इसका हम अनमोल समझ सकें, मूल समझ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी की कुछ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बताई हुई टिप्सों को फॉलो करेंगे और आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।